अंतरिक्ष विज्ञान एवं परोक्ष का अनुसंधान ऑडियो 2, जो इन अविज्ञात तथ्यों को समझ सके उन्हें यह जानने में कठिनाई न होगी कि मानव जाति के सामने प्रस्तुत अनेकानेक विभीषिकाओं के पीछे विद्यमान अदृश्य कारणों का निराकरण करने में यह विज्ञान कितना अधिक कारगर हो सकता है। नवनिर्माण के लिए मानवीय पुरुषार्थ की आवश्यकता और महत्ता तो निश्चित रूप से है ही, किंतु साथ ही समझना यह भी चाहिए कि इस पुण्य प्रयोजन में अदृश्य शक्तियों का अनुकूलन भी अभीष्ट है। इस क्षेत्र की जानकारी तथा परिवर्तन की विधि व्यवस्था में ज्योतिर्विज्ञान की सहायता लेना आवश्यक है। अभीष्ट परिवर्तन में मानवीय प्रयासों के अतिरिक्त अदृश्य का अनुकूलन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन संदर्भ में एक बात और जान लेने योग्य है कि ब्रह्मांड में मात्र जड़ ग्रह पिंड ही परिभ्रमण नहीं करते, इसमें सचेतन शक्तियों का अस्तित्व, प्रयास, प्रभाव भी कम नहीं है। ब्रह्मांड के शोधकर्ता अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी स्थिति कितने ही अन्य ग्रहों की भी है और उनमें मनुष्यों से भी अधिक विकसित प्राणी रहते हैं। उनका ज्ञान और विज्ञान धरती निवासियों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा है। यह कपोल कल्पना नहीं है, अब ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि अन्य ग्रह नक्षत्रों में न केवल विकसित स्तर के प्राणियों के अस्तित्व की संभावना है, वरन वे अंतर्ग्रही उड़ानों द्वारा पृथ्वी निवासियों के साथ संपर्क साधने के लिए भी प्रयत्नशील भी हैं। अंतरिक्ष में अवस्थित इन सुविकसित प्राणियों के साथ संपर्क साधना संभव हो सके तो निश्चित ही मनुष्यों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। निश्चय ही इतनी बड़ी सभ्यता के अधिकारी धरती जैसी दरिद्र और उस पर रहने वाले पतित पीड़ित लोगों पर आक्रमण करने और यहाँ से लूट ले जाने के लिए इतनी कष्टसाध्य यात्राएं नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य इस लोक के प्राणियों को अपनी उपलब्धियों से लाभान्वित करना ही हो सकता है। भारत के ऋषि मुनि समस्त संसार में ज्ञान और विज्ञान का वितरण करने के सदुद्देश्य से परिभ्रमण करते रहे हैं। इससे कम सदुद्देश्य इन अंतर्ग्रही महामानवों का भी नहीं हो सकता। वे हमसे संपर्क साधने का प्रयत्न करते हैं, पर वह सदता नहीं, क्योंकि इन लोकवासियों की क्षमता उनकी ओर हाथ बढ़ाने एवं सहयोग करने की नहीं है। इस क्षेत्र में अधिक बाधक अंतर्ग्रही विशिष्ट विज्ञान के संबंध में अपना अनजान होना ही है। यह विद्या प्राचीन काल की तरह विकसित स्तर की रही होती तो वह संपर्क सद सका होता, जिसके लिए उड़ंत स्तरियों में अंतर्ग्रही यानों में बैठकर आने वाले महाप्राण प्रयत्नशील हैं। प्राचीन काल में नारद आदि विशिष्ट अंतर्ग्रही यात्राएं करते रहे हैं। लोक लोकांतरों में उनके परिभ्रमण का जो वृतांत मिलता है वह सही है। निश्चय ही उस सफलता का आधार वह उच्च स्तरीय ज्योतिर्विज्ञान ही रहा होगा, जो इन दिनों एक प्रकार से लुप्त ही हो गया है, एवं उसका स्थान भाग्यवाद पर आधारित फलित ज्योतिष ने ले लिया है। प्रेतों और पितरों के संबंध में आस्तिक और नास्तिक, श्रद्धालु और तार्किक कुछ न कुछ जानते और मानते हैं। इनकी भी एक दुनिया है, परलोक, प्रेतलोक, स्वर्ग, नरक आदि के नाम से इसकी चर्चा होती रहती है। यह भी जीवित मनुष्यों जैसी एक दुनिया है। आदान प्रदान का रास्ता खुला रहता तो जिस प्रकार जलचरों और नभचरों का अस्तित्व मनुष्यों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसी प्रकार इन दिवंगत आत्माओं का सहयोग जीवितों के लिए कई प्रकार से उपयोगी हो सकता है। जीवाणु, परमाणु, विषाणु की जानकारी ने मानवीय सुविधा क्षेत्र को बढ़ाया है। अनंत अंतरिक्ष में बसी हुई इन सूक्ष्म शरीरधारियों की दुनिया यदि जीवितों के साथ सहकार बना सकी होती तो दिवंगतों को अतृप्त घूमना न पड़ता और मनुष्य को उनके दिव्य सहयोग से वंचित रहना पड़ता। दिवंगत स्वजन संबंधियों के साथ प्रेमाचार तो और भी अधिक सरल है। देवता,
इससे ऊंची स्थिति की चेतन सत्ता है। सौर मंडल के ग्रह और उपग्रह भौतिक दृष्टि से रासायनिक पदार्थों से बने बड़े आकार वाले चलते फिरते ढेले भर हैं, किंतु आत्मविज्ञानी जानते हैं कि प्रत्येक जड़ सत्ता का एक चेतन अभियान होता है। उसी के नियमन में इन घटकों को अपनी गतिविधियां उपयुक्त रीति से चलाने का अवसर मिलता है। नवग्रहों को अध्यात्म शास्त्र में देवता माना गया है। खगोल विद्या में वे पदार्थ पिंड गिने जाते हैं। अपने अपने स्थान पर दोनों परिभाषाएं सही है। दिव्य दर्शियों ने 33 कोटि देवता गिनाए हैं। कोटि का अर्थ यहाँ करोड़ नहीं श्रेणी ही समझना चाहिए। इस समुदाय में ग्रह पिंड, निहारिकाएं, पंच तत्व, पंच प्राण, देवदूत, जीवन मुक्त, व्यवस्थापक, सहायक वर्ग की उन दिव्य सत्ताओं को गिना जा सकता है जो परब्रह्म ना होते हुए भी उसकी व्यवस्था में हाथ बटाती रहती हैं। देवाराधन की प्रक्रिया से इन्हीं के साथ संपर्क साधने और आदान प्रदान का द्वार खोलने का प्रयत्न किया जाता है। भूमंडल से बाहर अनंत अंतरिक्ष बिखरा पड़ा है। विज्ञान ने पृथ्वी तथा उसके संबंध आने वाले अति निकट क्षेत्र से संपर्क साधा और अनुसंधान किया है। इससे बाहर का ब्रह्मांड विस्तार अत्यंत व्यापक है। इसमें पदार्थ भी हैं और चेतना भी। ग्रह नक्षत्रों से लेकर असंख्य स्तर की ऊर्जा तरंगों तक का पदार्थ भंडागार इसी ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पितरों से लेकर महाप्राण और देव समुदाय तक के अनेकों सूक्ष्म शरीरधारी इसी विस्तार में निवास करते और अपना विशिष्ट संसार चलाते हैं। इस प्रत्यक्ष और परोक्ष का आज एक दूसरे के साथ ऐच्छिक आदान प्रदान स्थापित नहीं हो पा रहा है। प्रकृति प्रवाह से जो अनायास ही मिल जाता है उतने भर से संतुष्ट रहना पड़ रहा है। युग परिवर्तन और नव सृजन के लिए मात्र मनुष्यों के ज्ञान एवं साधना का नियोजन तो होना ही चाहिए, पर उतने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो नहीं सकेगा। परिवर्तन की अधिकांश प्रक्रिया सूक्ष्म जगत में संपन्न होगी। प्रत्यक्ष में तो उसकी प्रतिक्रिया भर दृष्टिगोचर होगी। इस प्रयोजन के लिए जागृत आत्माओं की तत्परता और विभूतियों की सहायता जहां अपेक्षित है, वहीं परोक्ष का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना है। ज्योतिर्विज्ञान का नव निर्धारण इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। भौतिक विज्ञान तथा उसका तकनीकी ज्ञान प्राचीन काल में इतना सुविकसित न था, पर जिन उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञानी प्रयत्नशील हैं, वे सारे प्रयोजन ज्योतिर्विज्ञान द्वारा गणना आदि के माध्यम से पूरे कर लिए जाते थे। अंतरिक्ष के अंतराल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, अनुदान तथा उनके हानिकारक प्रभावों की जानकारी ज्योतिर्विज्ञान देता था। आत्मविज्ञान उनसे लाभ उठाने, प्रतिकूलताओं से सुरक्षा, उपचार की विधि व्यवस्था जुटाता था। अतीत की खोई हुई इस महान विद्या ज्योतिर्विज्ञान की विलुप्त कड़ियों को ढूंढने की पुनः आवश्यकता है। इस विज्ञान की पुनर्प्रतिष्ठा हो सके तो विज्ञान से कदम मिलाकर चलते हुए बिना किसी क्षति के अंतरिक्ष जगत से बढ़कर एक भौतिक एवं अनन्य अनुदानों के रूप में लाभान्वित हो सकना संभव है। ज्योतिर्विज्ञान एवं भौतिकी का समन्वय हो। शरीर के किसी भाग पर आघात पहुंचता है तो उसकी प्रतिक्रिया से शरीर का रोम रोम कांप उठता है। मन और मस्तिष्क भी उद्विग्न हो उठते हैं। समूचा ध्यान शारीरिक पीड़ा पर केंद्रित हो जाता है। मन संस्थान असंतुलित हो तो शरीर भी स्वस्थ एवं निरोग नहीं रह पाता। शरीर का प्रत्येक अवयव, मन, संस्थान परस्पर एक दूसरे की स्थिति से प्रभावित होते हैं। यह शरीर की चैतन्य एवं एकता के प्रमाण है। दृश्य और अदृश्य प्रकृति, समूचा ब्रह्मांड भी इसी प्रकार एक चेतन पिंड है, जिसके सभी घटक परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके एक सिरे पर जो कुछ भी घटित होता है तो अन्यान्य स्थानों पर उसकी प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है। इस तथ्य को प्रतिपादित करने एवं रहस्योद्घाटन करने का विज्ञान
भारत में प्राचीन काल से प्रचलित ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना जाता रहा है। इसका लक्ष्य था अंतर्ग्रही संबंधों की वैज्ञानिक विवेचना करना तथा एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना। फलतः इस विद्या के सहारे पृथ्वी से इतर ग्रह नक्षत्रों के अंतानों से लाभ उठा सकना एवं दुष्प्रभावों से बचाव कर पाना सुलभ था, जो आज विकसित भौतिक विज्ञान द्वारा भी संभव नहीं है। कालांतर में यह विज्ञान लुप्त होता चला गया और उसका स्थान फलित ज्योतिष की मूढ़ मान्यताओं एवं भ्रांतियों ने ले लिया, जिसे देखकर विज्ञजनों द्वारा इस विद्या की उपेक्षा हुई। इसके बावजूद भी विज्ञान ने जब से प्रौढ़ता की ओर कदम रखा है, उसका ध्यान अंतरिक्ष की खोजबीन की ओर आकर्षित हुआ है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों, सौर मंडल की गतिविधियों, आपसी संबंधों एवं परस्पर एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए छिटपुट प्रयास भी चल रहे हैं। प्रकारांतर से भौतिक विज्ञान अब उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच रहा है जिस पर सदियों पूर्व तत्ववेत्ता ऋषि, जो ज्योतिर्विज्ञान के मर्मज्ञ भी थे, पहुंच चुके थे। ज्योतिर्विज्ञान के आचार्यों ने सौर मंडल के ग्रह नक्षत्रों को देव शक्तियों के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। नौ ग्रहों की नौ देवताओं के रूप में प्रतिष्ठापना की गई है। ज्योतिर्विज्ञान की यह मान्यता सदियों से चलती आ रही है कि सौर मंडल का अधिपति सूर्य मात्र अग्नि का धमकता पिंड नहीं है, अपितु जीवन, प्राण और सक्रिय अग्नि का पुंज है, जो पल प्रतिपल अपने सौर मंडल के सदस्यों को अपनी गतिविधियों से प्रभावित करता है। न केवल सूर्य बल्कि मंगल, बृहस्पति, बुध आदि भी पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इस तथ्य को विश्व के प्रसिद्ध भौतिकविद भी स्वीकार करने लगे हैं कि सौर मंडल की गतिविधियां पृथ्वी के वातावरण एवं परिस्थितियों पर प्रभाव डालती हैं। युगोस्लाविया के नाभिकीय भौतिकविद प्रोफेसर स्टीवन डेडीचर जैसे विद्वानों का कहना है कि विज्ञान को अपनी अंतरिक्षीय खोज की सफलता के लिए प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान का अवलंबन लेना होगा। प्राकृतिक घटनाओं की अभी भी कितनी गुत्थियां ऐसी हैं जिनको सुलझा पाने में आज का विकसित विज्ञान भी असमर्थ है। आधुनिक विज्ञान अंतरिक्ष एवं सब न्यूक्लियर क्षेत्र में अपनी शानदार सफलता के बावजूद भी ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं की व्याख्या कर पाने में अपनी अक्षमता व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है। इसके विपरीत ज्योतिष विज्ञान का ब्रह्मांडीय ज्ञान अंतरिक्षीय रहस्यों का उद्घाटन करने में पूर्णतः सक्षम है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांतानुसार हर पदार्थ कण इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से सापेक्ष गतिशील हैं। वे अपना स्थान भी परिवर्तित करते रहते हैं। फलतः जिस पर्यावरण में वे गतिशील रहते हैं वह बदलता रहता है और एक अविच्छिन्न ब्रह्मांडीय श्रृंखला में बंधे होने के कारण कणों का संदोह विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, जो अन्यान्य ग्रहों तथा पृथ्वी, चर अचर पदार्थों एवं खगोलीय पिंडों को प्रभावित करता है। इस तथ्य से परिचित होते हुए भी विज्ञान ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और प्रभावों की स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ है। उपरोक्त टिप्पणी देते हुए भौतिकविद स्टीवन डेडीजर का कहना है कि समग्र जानकारियां के लिए ज्योतिर्विज्ञान के विलुप्त ज्ञान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्रख्यात ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक एर्नेस्ट मैक का कहना है कि ब्रह्मांड के अनंत कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा उनमें घना संबंध है। सौर लपटे जो कि ग्रहों की निकटता एवं चंद्रमा की गति से किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के व्यतिरेक उत्पन्न करती हैं। ग्रही योग पृथ्वी एवं जैविकीय चुंबकत्व पर अपना प्रभाव डालते हैं। ग्रहों के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आंधी, प्रकृति प्रकोपों एवं पृथ्वी के जीवधारियों में अनेकों प्रकार के मानसिक एवं नर्वस सिस्टम के रोग उत्पन्न करती है। भू चुंबकत्व में होने वाले हेरफेर से मानवीय आचरण और स्वभाव भी अछूता नहीं रहता है। ब्रह्मांड रसायन शास्त्री प्रोफेसर ब्राउन का मत है कि पृथ्वी सौर मंडल की ही एक सदस्य है और चंद्रमा उसका ही एक उपग्रह।
वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी और चंद्र की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। न केवल चंद्र और सूर्य वरन मंगल बृहस्पति शुक्र और शनि भी युवतियां भी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। इन्होंने अंतर्ग्रही प्रभावों को समानुभूति नाम दिया है। कुछ दिनों पूर्व अहमदाबाद में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय विषुवतीय वायु विज्ञान गोष्ठी का उद्घाटन हुआ। अहमदाबाद भौतिक अनुसंधान शाला के दो वैज्ञानिकों प्रोफेसर के आर रामनाथन और डॉक्टर एस अनंत कृष्णन ने यह घोषणा की है कि पृथ्वी सौरमंडल की अभिन्न घटक है। आकाशीय पिंडों के स्पंदन धरती को भी व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अपनी एक खोज में इन वैज्ञानिकों ने पाया कि वायुमंडल के डी क्षेत्र में शक्तिशाली एक्स किरणों के स्रोत स्कोपियो 11 के गुजरने से वनस्पति एवं जीव विज्ञान की हलचलें बढ़ जाती है तथा उनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परमाणु शक्ति आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष और विश्वविख्यात भौतिकविद डॉक्टर साराभाई ने विभिन्न देशों से आए वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य के अतिरिक्त भी अन्य आकाशीय पिंडों का प्रक्षीय प्रभाव धरती पर आता है। यदि ज्योतिर्विज्ञान के सूत्रों को ढूंढा जा सके और अंतरिक्षीय ज्ञान में प्रयुक्त किया जा सके तो अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती हैं। रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर देस्यातोव ने इस संबंध में व्यापक शोध कार्य किया है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर समय समय पर आने वाले चुंबकीय तूफानों से धरती के निवासियों में स्नायविक एवं मनोरोग की बहुलता देखी जाती है। धरती पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फ्रीक्वेंसी बदलना आकाशीय पिंडों के ऊर्जा प्रवाह के परिणाम हैं। अपनी आरंभिक खोजों में व्लादिमीर ने यह पाया था कि सूर्य पर एक विशेष प्रकार के ज्वाला प्रकोप फ्लेयर फूटते हैं तो धरती पर प्रचंड चुंबकीय तूफान आते हैं जिनसे प्रभावित तो सभी होते हैं पर कमजोर मना स्थिति वाले व्यक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया अत्यधिक दिखाई पड़ती है। आत्महत्याएं हत्याएं एवं असंतुलन के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि मस्तिष्कीय क्रिया क्षमता का मूलभूत स्रोत अल्फाइनर्जी धरती के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भूचुंबकत्व का सीधा संबंध आकाशीय पिंडों से है। इसलिए मानवीय जीवन अंतरिक्षीय घटनाक्रमों एवं शक्तियों से विलक्षण रूप से संबंधित है। अस्तु अंतरिक्ष में पैदा होने वाली हर हलचल पृथ्वी मानवीय प्रकृति मन बुद्धि एवं चेतना को प्रभावित करती है।